Hello friends, welcome back to my channel Indian blogger Aarju. Then friends, आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कितना कोहरा है और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में. सुबह का 7 बज रहा है अभी और मुझे बनाना है सूजी का हलवा. और आप देखिए यहाँ पे सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने आज पानी से बनानी है. ये मैं घी डाल रही हूँ कढ़ाई में. कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है और सुबह का टाइम है तो मैं जल्दी जल्दी बनाना है मुझे. तो मैं चीनी और सूजी का क्वांटिटी सेम रखती हूँ और उसके हाफ में ये घी को लेती हूँ. जैसे 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम आपका सूजी और 200 ग्राम चीनी है तो 100 ग्राम मैं उसमें घी डालती हूँ. और मैं आज पानी के साथ बनाऊँगी. इसको मैं दूध के साथ ज़्यादा बनाती हूँ लेकिन अभी मैं पानी के साथ बना रही हूँ. चूँकि सुबह में दूध कम होता है तो बच्चों को देना होता है, फिर चाय बनती है, तो इसलिए दूध की कमी है. और 9:30 बजे दूध वाले अंकल आते हैं तो वो दूध 9:30 बजे मेरे यहाँ आता है. तो अभी मैं यहाँ पे सूजी को ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी. और ये ब्राउन होने के बाद इसमें चीनी डालकर फिर पानी डालूँगी. यहाँ पे देखिए मेरा जो सूजी है वो भून रहा है. अभी ब्राउन हल्का हो चुका है तो मैं चीनी डाल रही हूँ. और चीनी डालने के बाद मैं बस इसमें थोड़ी सी एक चाय पत्ती डाली हुई थी तो वही मैं हटा रही हूँ. तो बस मैं चीनी डालने के बाद इसमें सीधे पानी डाल दूँगी और फ्लेम को हाई कर दूँगी. और जैसे इसमें बॉयल आने पर फिर मैं इसको सीम कर दूँगी. सीम करने के बाद ये धीरे धीरे पक के वो रेडी हो जाएगा. और मैं इधर फिर आटा को गूंदने वाली हूँ. क्योंकि बच्चों को सुबह खाने के लिए मैं दही रोटी दूंगी तो मैं यहाँ पे रोटी बनाने के लिए आटे को समेट कर डो बना रही हूँ. तो बस अब दही और रोटी बच्चों को खाने के लिए दूंगी और बस ड्राई फ्रूट्स वगैरह और बिस्किट ये फ्रूट टिफ़िन के तौर पे लेकर के जाएंगे. चूँकि मैं अभी काफ़ी ठंड है तो बच्चों को मैं फ्रेश फ्रूट देना नहीं पसंद करती. चूँकि बच्चों को तुरंत ही मेरे बच्चों को जुकाम हो जाती है. यहाँ की ठंड थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो मैं रोटी बनाकर थोड़ा दे दूँगी. और दही ताज़ी है, मीठी है तो वो बिल्कुल खराबी नहीं करती. वो चीनी के साथ, रोटी के साथ वो सुबह सुबह खा लेते हैं. तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो मेरा सूजी का हलवा वो कितना यमी दिखा. और ये फ्लेम अभी भी मैंने सिम ही करके रखा हुआ है और सिम सिम में ये धीरे धीरे मिक्स होकर इतना यमी बनता है. और ये वाकई में काफ़ी यमी बना था खाने के बाद मैंने इसे देखा. और इसको आप कभी अचार के साथ खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगता है. तो आज सुबह का नाश्ता अचार और ये हलवा, रोटी, दही, ये इतनी चीज़ें जिसको जो खाना है अपने मर्जी से खा सकता है. तो बच्चे मेरे दही रोटी खाएंगे और टिफ़िन में मैं इनको पैक करके देने वाली. और इधर बन रही है सुबह की 2 कप चाय. ये रोटी दही है जो मैं बच्चों को देने जा रही हूँ. तो अंकु और पीयू पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं अब ये स्कूल जाने के लिए. और ये आप सोच रहे होंगे कि ये खा क्या रहे हैं. तो ये प्रसाद है जो मिश्री होती है तो मैं हमेशा इन लोगों को जाते वक्त दे देती हूँ. इन लोग बड़े खुश होकर दो जो ताल मिश्री होती है उसको मैं देती हूँ डेली. तो वो वही खाकर बड़ी खुश होकर मीठे मीठे और चले जाते हैं. और देखिए ये बस अब स्कूल जा रहे हैं. और यहाँ पे देखिए इन दोनों के पापा लेकर के जा रहे हैं स्कूल. बच्चों को स्कूल तो 2 मिनट के रास्ते में ही है लेकिन बाय कार ही ले जाते हैं. चूँकि इन लोगों की जो बैग होती है वो काफ़ी हैवी हो जाती है चूँकि पानी की बॉटल, टिफ़िन वगैरह लेकर. तो वही इसीलिए उसके बाद अभी बज रहा है 9:30. तो 9:30 हो रहा है अब. ये भी ऑफिस जा चुके हैं जैसा आप देख रहे हैं कि ये भी तैयार होकर. और बच्चों की स्कूल 8:30. तो बच्चों की स्कूल 8:30 हुई है. उसके बाद आने के बाद ये खुद तैयार होते हैं तो उसके बाद नाश्ता वगैरह करके फिर इनके भी ऑफिस का टाइम हो जाता है. फिर ये चले जाते हैं. फिर इनके जाने के बाद ही मैं फ्री होकर घर के कामों को करती हूँ. तो फ्रेंड्स ऐसा है मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन काफ़ी व्यस्तता वाली है. और मैं
मैं सुबह की भी एक और वीडियो शूट करूंगी जो प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन का होगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मौसम भी काफ़ी साफ हो चुका है। 8:30 बजे का मौसम मैं आपको दिखलाई थी और अभी 9:30 हो रहा, और यहाँ पे इतना खूबसूरत रोज है, खिल चुका है और अभी 6 कली खिलने वाली है। आप देख सकते हैं 1, 2 और फिर इधर देखिए, अभी मैं सारे को दिखाने वाली हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे गुलाब एक साथ खिलेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। मैं प्रॉपर इसको केयर नहीं कर पाती हूँ जो सही है, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम प्रॉपर नहीं होता और संजय जी के पास भी नहीं होता है उतना प्रॉपर टाइम कि वो भी इसको टाइम दे सके। लेकिन जब भी हम दोनों को टाइम मिलता है, दोनों मिलकर बागवानी करते हैं। और यहाँ पे जो हिबिस्कस है वो भी एक फ्लावर खिल के आया है, तो ये काफ़ी खूबसूरती को बढ़ा देता है हमारी बागवानी को। तो बस ऐसा ही, और चलिए अब तो फ्रेंड्स, यहाँ सबके स्कूल और ऑफिस जाने के बाद मैं आ गई हूँ सब्जी को साफ करने के लिए। और आज मैं सब्जी में बनाने वाली हूँ पालक, पालक की साग बनाने वाली हूँ। तो पालक को बिनना काफ़ी, साफ करना काफ़ी टाइम लगता है। और ये आलू और गोभी की सब्जी बनाने वाली हूँ, इसमें मटर मैं डालूंगी। मटर को मैं रात में ही पूरी छील कर रख ली थी, और मटर छीलने में मेरे दोनों बच्चे और हस्बैंड सभी साथ देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मटर थी। तो उसको पील करके हम सब उसको फ्रिज में ऑलरेडी मैं रख चुकी हूँ पहले ही। तो बस यही है, और यहाँ मैं पालक को साफ करूँगी, और आलू है, गोभी है, और आज का लंच जो है दाल चावल आलू गोभी की सब्जी, पालक की साग और सैलेड, यही होने वाली है। तो मैं यहाँ पे जब सब्जी को साफ कर लेती हूँ तो मुझे ये टेंशन नहीं होता, मैं सुबह सुबह ही करती हूँ। क्योंकि घर यदि थोड़ा भी गंदा होता है तो जब कलविंदर घर को क्लीन करती है तो वो पोछे के साथ क्लीन हो जाता है, लेकिन यदि वो चली जाती है उसके बाद मैं जब सब्जी को साफ करती हूँ या कट करती हूँ तो वो जो सफाई है वो मुझे खुद ही करनी पड़ती, तो थोड़ा सा मुझे हेल्प हो जाता है सुबह में रहने से। और खाना बनाते वक्त यदि आपकी सब्जी कटी मिलती है आपको तो खाना बनाना झटपट में हो जाता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। और आप यदि नहा धोकर फ्रेश कपड़े पहने हो तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते। आजकल के जो आलू लगे हुए मिट्टी होते हैं वो आपको थोड़ा सा तो प्रॉब्लम करते ही हैं। तो फ्रेंड्स, बस अब मैं पालक को बिनने के बाद मैं कपड़ा जो मशीन में लगाई थी उसको मैं पसार लूँगी बालकनी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं साग को पूरी तरह से साफ कर चुकी हूँ, अब मैं सब्जी को कट करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ मशीन से कपड़ा, मेरा सब्जी का जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो चुका है, घर को भी मैं समेट ली हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में कपड़े को लेकर, और मैं बालकनी में कपड़े को पसार कर उसके बाद फिर मैं वहाँ पे शावर वगैरह लूँगी, पूजा करूँगी, और फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आज जल्दी लंच बनाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है पालक बनने में। तो मैं एक ही कढ़ाई में पहले मैं सब्जी बनाऊँगी, सब्जी को निकाल कर फिर उसके भगोने में रख लूँगी बाउल पे, उसके बाद फिर मैं उसी में साग बनाऊँगी। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो मैं आज जल्दी ही खाना को बना लूँगी। ऐसे जनरली मैं 1 o'clock खाना को बनाती हूँ लंच को, चूँकि 2:30 में बच्चों की छुट्टी होती है और ये भी 2:30 ही आते हैं तो खाना ठंडा हो जाता है, तो इसके वजह से मैं 1 o'clock ही खाना बनाती हूँ। लेकिन आज साग वाग बनाना है, सब्जी बनानी है, तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, तो मैं अभी ही 11 o'clock ही बनाकर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा रहता है मेरा प्रायः जो वर्किंग डे होता है सेम ही होता है मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है 11 o'clock, जैसा आप देख सकते हैं कलविंदर जा चुकी है घर को साफ सफाई करके, और फिर मैं भी अब बस नाश्ता करने वाली हूँ, पूजा वगैरह मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे 2:45, बच्चे 2:30 में ही आ चुके थे, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद फ्रेश होने के बाद अब हम लोग सब डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके हैं। और आज का लंच तो मैं ऑलरेडी आपसे बता चुकी हूँ कि क्या है, तो मैं बस उसी को इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स,
ये था मेरा आज का रूटीन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करते हैं। यदि अब तक आप मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और देखिए अभी 7:15 हो रहा है शाम का, तो मेरा सारा काम फिनिश है। सारे दिन का मैं आपसे रूटीन शेयर कर चुकी हूँ, तो आपको पता ही होगा कि मेरा आलू गोभी का सब्जी मैंने रखा हुआ है। चूँकि आप कितना भी बनाओ दो आदमी में बच जाता है, और मैं जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा भी बनाती हूँ। तो बस अब मुझे बस स्टडी करनी है, बच्चों की होमवर्क कंप्लीट हो चुकी है। बच्चे अभी मार्केट गए अपने पापा के साथ, तो वे बस अब वो आएंगे, फिर मैं उन्हें पहले डिनर कराऊंगी, फिर थोड़ा बहुत मैं उन्हें जो उनकी चैप्टर है, चूँकि एग्ज़ाम होने वाली है तो रिवीजन भी ज़रूरी है, तो मैं वही रिवीजन कराऊंगी। होमवर्क ऑलरेडी कर चुका है उन लोगों ने। तो फ्रेंड्स चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।